الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض خلقناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. मैं अपनी बात का आगाज इस मुबारक शहर से करता हूँ, दुआ से। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। ये सारे इजलास का खुलासा है, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो। दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, महशर का अगर शोर हो तो भी ना खबर हो। ये जो शेर का हिस्सा है लाश, बिहार की सरजमीन के लोगों में आपकी अजमत को, ईमान को, दीन से मोहब्बत को दाद देता। मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, 10-11 करोड़ लोग हमें टीवी पर रोज आना सुनते हैं, लेकिन भाई ऐसी अजमत से सुनने वाले लोग मैंने नहीं देखे। कब से ये इजलास शुरू हुआ और अब 4:15 बज रहे हैं और आप अब भी इस अजमत के साथ के स्टेज से जो पैगाम और प्रोग्राम मिले हम उसको अपनी जिंदगियों में लाएं। तो ये आखिरी शेर का जो हिस्सा है, मैं आपको एक बहुत अहम सबक समझाने आया हूं कि इस वक्त मुल्क आपकी जड़ों को, आपके निशानात को, आपके तशख्खुस को, आपकी तहजीब को और अलामात को इस सरजमीन से खुरद देना चाहता है। ऐसे शोर और शर के दौर में, ऐसे शोर और शर के दौर में हमें झुकना नहीं है, बिकना नहीं है और दूसरों की कल्चर और गंदी तहजीब के सामने अपने निशाना के कदम से जर्रा बराबर पीछे नहीं हटना। ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं आपको और आपके इस हौसले को इन अल्फाज में दाद देता हूं। असल में आप लोग कि यहाँ एक बड़ा अजीब मसला है, बोलने वाले आदमी को आप उस वक्त में बुलाते हैं जब जमीन भी सो चुकी होती है। समझ रहे हैं, अब हमारा भी इंजन ठंडा है और आप भी वही ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम क्या सुनाएं। 10-20 मिनट में तो इंजन गर्म होता है, लेकिन मैं सिर्फ वक्त की नजाकत के लिहाज से, बात तो कुछ और थी जहन में, लेकिन अभी मैंने गौर किया कि ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इतनी देर से जमीन पे बैठे हैं तो यकीनन इनका कोई ना कोई अहम रिश्ता है जमीन से। इसलिए फौरन मैंने अपने रूट को डायवर्जन किया और मैंने कहा कि इसको, इनको जमीन ही से मिलने वाली कुछ ऐसा सबक दिया जाए कि उलमा चले जाएंगे लेकिन ये जमीन चूंकि बाकी रहेगी और हम इसी पर चलते रहेंगे, तो जब जब हम जमीन पर कदम रखें तब तब हमें वो सबक जो मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने दिया है और देवबंद का पैगाम है, उस सबक को हम आसानी के साथ दोहराते रहे। कि भाई सब किताब तो नहीं पढ़ सकते लेकिन जमीन पर तो सब चलते हैं ना, है जी, खेती सब करते हैं, जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो इसलिए भाई